Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the nervous and the sensory functions of the reptiles. The brain of the reptile is similar to the brain of the other vertebrates. However, the cerebral hemisphere and the two main parts on the visual on the upper surface of the brain, they are somewhat larger than that of amphibians. Why the cerebral hemispheres are somewhat larger than that of amphibians? Because the reptiles are ये कह लें कि जो reptiles की characteristics हैं या उनके जो behavioral adaptations हैं वो amphibians की निस्बत ज़्यादा हैं. This increased size is associated with an improved sense of the smell. अब ये जो cerebral hemisphere है इसका size किसके साथ associated है? Reptiles के अंदर improved sense of smell. The optic lobes and the cerebellum are also enlarged, which reflect increased reliance on vision and more refined coordination of the muscle function. Isi tarah brain ke jo parts hain optic lobe or cerebellum, they are large and they are and their larger size is the indication of more dependence on vision and more refined coordination of muscle functions. अब रिप्टाइल ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी आई साइट पे ताकि वो अपनी फूड डिटेक्ट करें, प्रीडेटर से बचें, और इसी तरह इनके अंदर जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस. द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेप्टिलियन सेंसरी सिस्टम इज एविडेंस्ड बाय द कैमेलियन मेथड ऑफ द फीडिंग. Its protruding eyes swell independently and each has a different field of the view. अब उसकी जो बाहर को प्रोट्यूड कहते हैं, बाहर को उभरी हुई आइज़ हैं, वो इर्द गिर्द घूम सकती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इमेज बनाती हैं. इनिशियली द ब्रेन कीप्स बोथ इमेज सेपरेट, बट व्हेन एन इंसेक्ट इज स्पॉटेड बोथ आइज कन्वर्ज ऑन द प्रे. पहले शुरू में तो जो ब्रेन है वो डिफरेंट इमेज बनाता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट नज़र आता है दोनों आईज जो होती हैं वो प्रे के ऊपर फोकस करती हैं. बायनोकुलर विजन देन प्रोवाइड्स द डेप्थ परसेप्शन फॉर डिटरमिनिंग वेदर और नॉट द इंसेक्ट इज विद इन द रेंज ऑफ द कैमेलियन टंग. अब बायनोकुलर विजन ये होती है, बोथ आईज फॉर्म अ सिंगल इमेज. ऊपर जो वीएन की बात हो रही थी वहाँ मोनोकुलर वीएन की बात हो रही थी, यानी दोनों आईज अपना सेपरेट इमेज बना रही थी, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट डिटेक्ट हुआ वहाँ पे दोनों आईज ने एक सेम इमेज बनाया ब्रेन में. और डेप्थ परसेप्शन की, डेप्थ परसेप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि कितना डिस्टेंस है कैमेलियन और इंसेक्ट के दरमियान. वीएन इज़ द डोमिनेंट सेंस इन द रेप्टाइल्स. ये रेप्टिलियन ब्रेन है भाई, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेप्टिलियन ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स. ऑप्टिक लोग इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन फ्रॉम विच द ऑप्टिक नर्व पार्टली अराइजेस. दिस इज द रेप्टिलियन आई. यहाँ पे आप रेप्टिलियन आईज को देख सकते हैं. सी द ब्यूटी ऑफ दीज आईज. अच्छा, एक चीज़ को फोकस करें कि यहाँ पे बाकी एनिमल्स में पीपल ज़्यादातर जो है वो इस तरह से राउंड इन शेप है, लेकिन रेप्टाइल्स में मोस्टली ये राउंड नहीं है ज़्यादा एनिमल्स में. अब देखें स्लिट लाइक है ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर. स्नैक्स फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड. स्नैक्स अब फोकस कैसे करते हैं, ये अपने लेंस के जो इनके आई का है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट करवाते हैं. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आयरस प्लेसेस प्रेशर ऑन द जेन लाइक विट्रस बॉडी इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द आई एंड डिसप्लेसमेंट ऑफ दिस जेल पुशेस द लेंस फॉरवर्ड. आई के अंदर लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद है बैक साइड पर, उसे कहते हैं विट्रस बॉडी, और उसके कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आयरस उसके ऊपर प्रेशर देता है और उस जेल लाइक जो सब्सटेंस है वो फिर लेंस को फॉरवर्ड मूव करवाएगा. ऑल अदर रेप्टाइल्स फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट व्हेन द नॉर्मली इलिप्टिकल लेंस इज मेड मोर स्फेरिकल.
as a result of ciliary muscles pressing the ciliary body against the lens. बाकी जो reptiles हैं उनमें foxing कैसे होती है, जब elliptical lens, elliptical का word use होता है जब किसी भी round चीज़ को खींच के ना जो oval shape round चीज़ होती है ना थोड़ी सी लंबाई की रुख हो जाती है उसको elliptical कहते हैं. जब elliptical से ज़्यादा spherical में lens की shape स्फीयर में यह गोल चेंज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ द सिलरी मसल्स, और सिलरी मसल्स जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे अगेंस्ट द सिलरी बॉडी और वो लेंस को मूव करवाएगी. रेप्टाइल्स हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ द कॉन्स देन डू एम्फीबियंस एंड प्रोबेबली वेल डेवलप्ड कलर वीजन. और फिर जो आई के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो रॉड्स और कॉन्स हैं. ठीक है, रॉड्स किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, रेटिना में, दोनों रेटिना के अंदर होते हैं रॉड्स और कॉन्स. एंड रॉड्स आर इन्वॉल्व इन द मतलब डिटेक्शन में कि यहाँ पे कोई बॉडी मौजूद है या नहीं है. लेकिन जो कॉन्स हैं ये कलर डिफरेंशिएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं. तो कॉन का नंबर्स रेप्टाइल्स में ज़्यादा होने का मतलब ये है कि रेप्टाइल्स की जो कलर वीजन है वो अच्छी है. अपर एंड लोअर आईलेट अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड अ ब्लड साइनस प्रोटेक्ट एंड क्लीन्स द सर्फेस ऑफ द आई. अपर और लोअर आईलेट्स जो हैं और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन के केस में ये जो है रूडिमेंट्री है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगी. और जो ब्लड साइनस है वो साफ करता है आई सरफेस को. कुछ स्नैक्स और लिजर्ड्स में अपर और लोअर आईलेट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही और प्रोटेक्टिव विंडो बनाते हैं जिसे कहते हैं स्पेक्टिकल. एक डाइसिस में ये जो आउटर लेयर ऑफ स्पेक्टिकल होती है ये क्लाउडेड हो जाती है. जैसे ही क्लाउडेड होगी एनिमल को नज़र आना बंद हो जाएगा. ये इम्पेयर कर देगी वीजन को, यानी वीजन धुंधली होना शुरू हो जाती है. ज़ाहिर आंखों के आगे कोई चीज़ आ जाए तो वीजन तो धुंधली होगी ही सही ना. द ब्लड साइनस विच इज़ एट द बेस ऑफ द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. अब जो ब्लड साइनस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पे मौजूद है वो फूल जाती है और उसका जो ब्लड है वो सेपरेट कर साफ करता है डेब्रिस को फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई वेयर इट मे बी रब्ड आउट ऑन lizard squirts blood from their eyes by rupturing the sinus in a defective maneuver to startle prey. अब horn lizards हैं वो ये इसको blood sinus को use करती हैं defensive mechanism में. ये horn lizard है भाई, ये देख लें, these are the horn lizards. कुछ reptiles के पास median आई है. ये आपका बहुत important है topic examination point of view से. मीडियन आई बनती कैसे, डिवेलप्स फ्रॉम द आउट ग्रोथ ऑफ द रूफ ऑफ द फोर ब्रेन के रूफ की आउट ग्रोथ है. इन द ट्यूटेरा और द स्पिनोडॉन पंक्टाटस इट इज़ एन आई विद अ लेंस, अ नर्व एंड अ रेटिना. ट्यूटेरा के केस में ये आई कंप्लीट है, इसमें लेंस भी है, नर्व भी है और रेटिना भी है. बाकी रेप्टाइल्स में ये लेस डेवलप्ड है. पैराइटल आइज कवर होती हैं स्किन की वजह से, इसकी वजह से ये कलर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकती या इमेज नहीं बना सकती. लेकिन ये लाइट और डार्क पीरियड को डिफरेंशिएट कर सकती हैं और अकॉर्डिंग टू द सन ओरिएंटेशन देख लेती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ रेप्टिलियन ईयर जो है, रेप्टिलियन ईयर स्ट्रक्चर वेरी करेगा. स्नेक जो है ये डिटेक्ट करता है सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशन को. आप कभी आमने सामने स्नेक देख लेना तो उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साकिन हो जाएं क्योंकि वो वाइब्रेशंस डिटेक्ट करता है ज़मीन से. द लैक ऑफ मिडल ईयर कैविटी, ये मिडल ईयर कैविटी को इनके अंदर नहीं है. इनके अंदर ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और मिडल ईयर कैविटी नहीं है. अ बोन ऑफ द जॉ आर्टिकुलेट्स विद द स्टेप्स एंड रिसीव सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशंस. जबड़े की बोन आर्टिकुलेट करती है स्टेप्स के साथ, यानी ईयर बोन के साथ, और जितनी भी सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशन है ये उसको डिटेक्ट करेगा. इन अदर रेप्टाइल्स अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बी ऑन द सर्फेस और इन स्मॉल डिप्रेशन इन द हेड. बाकी रेप्टाइल्स में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ होगी, हो सकता है कि उनकी बॉडी सर्फेस के ऊपर हो या फिर हेड के अंदर कोई डिप्रेशन हो उसमें हो. इनर ईयर जो है एग्जैक्टली सेम है रेप्टाइल्स का एम्फीबियन के साथ. आपने अब ये नहीं लिखना कि ये सेम है, जहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपने फिर वो डिटेल में डिस्कस करना होगा. Olfactory senses are better in reptile than in amphibian. सूंघने की हिस जो है इनमें better develop है. In addition to the partial secondary palate providing more surface
for olfactory epithelium, many reptiles possess blind end pouches that open through the secondary palate into the mouth. These pouches are called vomeronasal organs or the Jacobson organs. This is also important from examination point of view. ये डायप्सिड लिनेज में आपको मिलेंगे और स्क्रोमेटा में बेहतर जो हैं ये डिवेलप हैं. जैकॉब्सन ऑर्गन्स जो हैं